अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मखाने की चाट बनाने जा रही हूँ। ये हमारे मखाने, एक कटोरी मखाने है, एक बड़ा टमाटर, एक प्याज, मूंगफली के दाने, दो चुटकी हल्दी है, दो चुटकी लाल मिर्च, नमक है सफ़ेद दो चुटकी, अपने अंदाज से नमक ले सकते हैं, चाट मसाला आधा चम्मच, एक हरी मिर्च, हरी मिर्च भी आप थोड़ी कम ज़्यादा ले सकते हैं, धनिया पाउडर, इसमें आप अमचूर की खट्टी चमेटी चटनी भी डाल सकते हैं, हरी चटनी वो ऑप्शनल है। सबसे पहले फ्राई पैन हमने चढ़ा दिया है गैस पे, और इसमें हमने एक बड़ी कटोरी मखाने डाल दिए हैं। अभी हम इसको अच्छे से भून लेंगे, बिना तेल के भून लेंगे, बिना घी के, तो हम अच्छे से भून लेंगे इनको, हम चलाते रहेंगे। मखाना अच्छे से हमारा भी भून गया है, तो अच्छे से भून गया है। अभी हमारे मखाने अच्छे से भून गए हैं, और इनको हम बर्तन में प्लेट में निकाल लेंगे, किसी भी प्लेट में, किसी बर्तन में, प्यादी में इनको निकाल लेंगे। ये हमारे भून गए मखाने सारे। अभी हमारी मूंगफली हम डाल देंगे, उनको भून लेंगे अच्छी तरह से। ये हमारी कच्ची मूंगफली है, उनको अच्छे से भूनने वाली है, भून जाएंगे। अभी हमारी मूंगफली भुन गई है, उनको हम बर्तन में निकाल देंगे प्याली में। अभी हम बर्तन में एक चम्मच घी ले लेंगे, देखिए थोड़ा सा गर्म होने देंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं, गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे, और इसमें हम अपनी ये हरी मिर्च डाल देंगे, ये सारे मसाले अपने डाल देंगे, चाट मसाला, धनिया, हल्दी पाउडर सब डाल देंगे। और अब ये सब गर्म हो गया, इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, जीरा ऑप्शनल है, इसमें आसानी से होती है। थोड़ा सा सौंफ डाल देंगे, ये भी ऑप्शनल है, डालेंगे तो इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। अभी हमारा ये हो गया है, इसमें हम अपने ये मखाने डाल देंगे और अच्छे से
चलो गैस की फ्लेम हम बंद करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसाले। अभी हम सबसे पहले प्लेट बाउल में सारे मसाले डाल देंगे। ये मूंगफली हमने भूनी हुई थी ये भी डाल देंगे। ये प्याज और ये टमाटर ये सब मिक्स कर देंगे हम। अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी मखाना चाट तैयार है। कभी भी आप स्नैक्स की तरह खा सकते हैं बना के, जब आपका मन हो तो बनाइए और फटाफट खाइए। अभी हम इसे प्लेट में निकाल देंगे मखाना चाट। ये हमारी मखाना चाट तैयार है।